गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास फर्स्ट। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लास फर्स्ट है चैप्टर नंबर 9। लेसन का नाम है मुक्ति। अभी आपको हमने पिछला लेसन जो 8 लेसन पढ़ाया था वो था फुदना वाली टोपी, यीशु की जो नानी वाला था वो लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं लेसन 9 कुट्टी। कुट्टी बच्चों के अंदर एक कुट्टी शब्द होता है, जैसे लोग किसी से नहीं बोलते हैं तो वो कुट्टी लगाते हैं, जैसे फ्रेंड फ्रेंडली हो या गांव में जैसे बच्चे बच्चे खेलते हैं आपस में, तो अगर उनसे झगड़ा हो गया या उनसे नहीं बोलने का मन है तो कहते हैं आओ चलो कुट्टी लगाते हैं। तो देखिए आगे क्या है, प्रस्तुत कहानी में बंदर व ऊंट की मित्रता को दर्शाया गया है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मित्र की हमेशा सहायता करनी चाहिए, मित्र से कभी रूठना नहीं चाहिए। आइए पढ़ते हैं। एक बंदर और ऊंट में अच्छी दोस्ती थी, यानी उन लोगों में जो थी ऊंट और बंदर में बहुत ही अच्छी यानी घनिष्ठता मित्रता उन लोगों में दोस्ती थी। पर थोड़े दिनों बाद किसी बात पर उनमें अनबन हो गई, यानी अनबन का मतलब हो गया झगड़ा हो गया। क्या होता है उन दोनों के बीच में, कुछ दिन बाद झगड़ा हो जाता है। दोनों अब एक दूसरे से बोलते नहीं थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे की याद बहुत आती थी क्योंकि वो लोग अच्छे दोस्त थे। जब झगड़ा करने के बाद वो लोग बोलते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे एक दोनों अपनी मतलब वो उसके बारे में याद किया करते थे वो लोग। एक दिन बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था, तभी उसे उस पार के अमरूदों के पेड़ की महक आई। यानी जब वो तालाब के किनारे बंदर पेड़ पर बैठा था तो उसे क्या आता है, उस पार यानी नदी के इस किनारे वो बैठा था और नदी के उस किनारे उसको अमरूद की महक यानी खुशबू आई। बंदर ने ऊंट से कहा, भाई क्या तुम मुझे तालाब के उस पर छोड़ आओगे? अब देखिए बंदर अभी तो दोनों झगड़ा किए थे नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर भी बंदर ने ऊंट से कहा कि क्या भाई तुम मुझे उस पर तालाब के छोड़ आओगे? क्यों नहीं मित्र? अब देखिए ऊंट कहता है कि क्यों नहीं मित्र, यह तो बहुत छोटी सी बात है। ऊंट ने कहा, ऊंट कहता है कि हाँ हाँ मित्र क्यों नहीं छोड़ देंगे हम आपको उस पर, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी बात है। ऊंट ने तुरंत अपनी पीठ पर बंदर को बैठाया और तालाब के उस पर अमरूद के बाग में जा पहुंचा। ऊंट क्या करता है, तुरंत यानी तुरंत उसको अपनी पीठ पर बैठाता है और तालाब के उस किनारे उसको छोड़ देता है। ऊंट की पीठ पर बैठे बैठे ही बंदर ने ढेरों मीठे मीठे अमरूद तोड़े और खाए। ऊंट की पीठ पे ही बैठ जाता है और उसी की पीठ पे बैठे बैठे ही वो ढेर सारा अमरूद तोड़ता है और खा जाता है। ऊंट को भी दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। ऊंट को भी खिलाया और दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो लोग अच्छे मित्र ही थे। सिर्फ झगड़ा हो जाने की वजह से वो एक दूसरे से नहीं बोलते थे, लेकिन फिर जब बंदर को उस अमरूद की खुशबू की महक आती है तो फिर से बंदर ऊंट से कहता है, तो ऊंट कहता है क्यों नहीं भाई मैं तुम्हें क्यों नहीं पहुंचा दूंगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। फिर ऊंट जो है वो क्या करता है, बंदर को उस पर ले जाता है और अपनी पीठ पे बैठाए बैठाए ही उस बंदर को अमरूद खिलाने के लिए कहता है और वो बंदर खुद खाता है और ऊंट को भी खिलाता है। इससे ऊंट और बंदर दोनों को बहुत अच्छा लगता है। माफ करना मैंने तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की थी। माफ करना, ऊंट बोलता है कि हमें माफ करना दोस्त, मुझे माफ करना, हम तुमसे कुट्टी करके यानी झगड़ा करके बहुत बड़ी भूल की थी। आखिर बंदर ने कह ही दिया हाँ और मैंने भी, ऊंट बोला। आखिर बंदर ने कह ही दिया हाँ और मैंने भी, ऊंट बोला। यानी बंदर जो कहता है कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि हम तुमसे कानी कुट्टी लगा रहे हैं,
से अब कुट्टी नहीं करेंगे बल्कि अब दोनों आपस में मिलकर रहेंगे। बंदर ने कहा, वह तो कब की हो गई, वह तो कब की हो गई, ऊंट ने कहा और हंस दिया। ऊंट कहता है कि चलो वो तो कब की कब बात हो गई, और इतना कह के ऊंट हंस देता है। बंदर भी खिलखिला कर हंस दिया, यानी बंदर ने क्या किया, खिलखिला कर हंस दिया, यानी जोर से हंस दिया। दोनों देर तक हंसते रहे, फिर दोनों तालाब के दूसरे किनारे की ओर चल दिए। और क्या करते हैं कि दोनों खूब देर तक हंसते रहे, काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देख देख के हंसते रहे। और फिर अमरूद खाने के बाद वो दोनों एक उस किनारे जो गए थे तालाब के, फिर से अपनी तरफ आ। देखिए ये तो था दोस्ती, दोस्ती अभी थोड़ा देर में झगड़ा, फिर कहीं काम लगा तो फिर से बोल दिए। तो दोस्ती जो है वो दोनों को सोच समझ के करनी चाहिए, हमेशा एक दूसरे का सहायता करना चाहिए, न कि किसी को मुसीबत में पड़े तो उसको छोड़कर चल देना चाहिए। ये क्या है, पंचतंत्र। पंचतंत्र कहानी के अंतर्गत आता है ये भी कहानी। शब्द ज्ञान है दोस्ती यानी मित्रता, महक खुशबू बाग बगीचा, अनवर यानी झगड़ा। अब देखिए क्या करते हैं, ये आपको लेसन तो समझ में आ गया होगा। बंदर ऊंट की कहानी थी, कुट्टी यानी कुट्टी करके उन लोगों ने बहुत बड़ी भूल की थी। फिर वो दोनों क्या करते हैं, अप्पा कर लेते हैं यानी मेल मिलाप कर लेते हैं, फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। आइए चलते हैं इसका हम अभ्यास प्रश्न करवाते हैं, क्योंकि इसमें मीनिंग जो है बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए पहले सब दोस्ती कुट्टी है, बच्चों का है मित्रता, महक खुशबू है, जो कुट्टी और अब्बा है ना, ये बच्चों का एक तरह से खेल होता है, थोड़ा देर में थोड़ा सा बोलना फिर झगड़ना, तो पट्टी करना फिर मिट्टी करना, अंदर झगड़ा। ये आप इसको राइट कर लेंगे, बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है, फोर ही मीनिंग है। इसके बाद खिलखिला कर हंसना, खिलखिलाना, यानी तेज हंसना या ठहाके लगाना, तेज दोनों तेजी से हंसते हुए। बस इसमें इतनी ही मीनिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी तो जरूरी चीज है। अब इसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न करवाया जाएगा, थोड़ा सा करवाते हैं इसके बाद। चलिए पहला क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न करने जाते हैं, अभ्यास करो। पहला है सही, ये देखिए सारे लेसन में एक जैसा क्वेश्चन का जो प्रारूप है एक जैसा है, उसी में किसी में काम किसी में अभी, लेकिन जो प्रारूप है वो एक जैसा है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर अगर किसी में फिलिंगी टेंस है, किसी में ट्रू फॉल्स है, किसी में क्वेश्चन आंसर है। बंदर किसकी, अभी आपको लेसन पढ़ाया है, आपको लर्न होगा, क्वेश्चन दिया है बंदर किसकी पीठ पर बैठा था, किसकी पीठ पर बैठा था, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, लेसन पढ़ाया है, आपको इसका आंसर मालूम हो गया होगा कि बंदर किसकी पीठ पर बैठा था, शेर की, सियार की, ऊंट की।
देखिए बाग में, बाजार में, जंगल में, तो कहां पहुंचे थे अमरूद की बाग में? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? और कौन सा ऑप्शन सही है? और बाग में, यानी वो लोग कहां पहुंचे थे? अमरूद के बगीचे में ना, तो बाग में। फिर ग है बंदर को, बंदर किस फल की, किस फल की महक आई? अभी हमने पढ़ा है कौन सा फल था, कौन सा फल था? केले के, अमरूद के, संतरे के, कौन सा फल था? अमरूद का फल। तो ब ऑप्शन सही है, अमरूद की। किसकी महक आई? अमरूद की। ये राइट कर दीजिए आप। इसके बाद है घ, घ है ऊंट और बंदर में कौन सा फल खाया? देखिए दिया है इसमें ऊंट और बंदर ने कौन सा फल खाया? अ है अंगूर, ब है आम, स है अमरूद। कौन सा फल खाता है? अमरूद। स वाला आंसर सही है। इसको आप राइट कर लीजिए। ये अब चारों ऑप्शन जो है राइट कर लीजिए। इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बस क्यों करना था आपको, आपने कर दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कौन है? बंदर, बंदर कहाँ बैठा था? अब इसके आंसर है बंदर किनारे एक पेड़ पर बैठा था। ये है आपका क का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थ्री का है, क्या ऊंट, क्या ऊंट बंदर को, बंदर को तालाब बंदर को
क्वेश्चन नंबर ग है, क्या अंत में, क्या अंत में ऊट और बंदर में, बंदर की दोस्ती हो गई? तो क्या होता है अंत में बंदर और ऊंट की दोस्ती हो जाती है ना? क्या लिखेंगे इसका आंसर? हाँ हाँ लिखते हैं, फिर अंत में यही बताया गया, अंत में ऊंट और बंदर की दोस्ती हो गई। ये आप राइट कर लीजिए क्वेश्चन आंसर। कर लिए होंगे आप राइट। आगे चलते हैं, इलेक्शन देखिए बहुत छोटा सा है, पूरा हो जाएगा राइट आज सर। देखिए सब बहुत में है, पहला मिलाइए। देखिए मैच करना है, क्या करना है, मैच करना है। यहाँ ग दिया गया है, ख दिया गया है, ग दिया गया है, क भी देखिए यहाँ पे, ट्री देखिए यहाँ पे चित्रों से उनके नाम को मिलाना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऊंट, ऊंट का चित्र कहाँ बनाया है, यहाँ पे ये लिखा है वृक्ष, तो वृक्ष का चित्र यहाँ है, अमरूद और अमरूद का चित्र यहाँ है, इसको मैच करना है। आप अपनी बुक में ही इसको मैच कर लीजिएगा। इसके बाद है दूसरा, थैंक यू।
पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया है, चाचा जी आ रहे हैं, सारे बच्चे आ रहे हैं, सीमा आ रही है, मुन्नी आ रही है। फिर यहाँ पे मामा जी भी दीदी जा रहे हैं, हो गया। इसके बाद सारे बच्चे नाटक खेल रहे हैं। फिर है ये घटना है, इसकी बात है गीता कहानी पढ़ रही है। जैसे वहां पे दिया गया है कि रेड है, ये कलर जो है रेड है, बस इसी को वहां पे लिखना है कि इसमें रहे हैं, रहे हैं, रही है होगा। तो चाचा जी आ रहे हैं, तो मामा जी भी दीदी जा रहे हैं, सारे बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चे नाटक खेल रहे हैं, सीमा आ रही है, गीता कहानी पढ़ रही है, मुन्नी आ रही है, हो गए आ रही यहाँ पे रहे हैं। ठीक, ये आप इसको राइट कर लीजिए। इसके बाद है व्याकरण बोध में। अब देखिए व्याकरण बोध में क्या है, बस एक क्वेश्चन और बाकी है, इसको भी करा देते हैं। ये बहुत ज्यादा लिखे इसमें, थोड़ा सा लिखा
खुशबू, देखिए सैर, सैर का समानार्थ क्या होता है? घूमना, अनबन, झगड़ा, महक, खुशबू, वृक्ष, पेड़, ये हो गया जोड़। इसको आप ब्रैट कर लेंगे, मीनिंग जैसा है, यानी समान मतलब है, सैर इस घूमना, अनबन इस झगड़ा, महक इस खुशबू, वृक्ष इस पेड़, ये एक समान अर्थ हो गया, चाहे उसको सैर कहिए चाहे घूमना कहिए, एक ही अर्थ। इसके बाद है रचनात्मक कार्य में नीचे दिए गए चित्र में सुंदरता से रंग भरिए। इसको आप ऊंट और बंदर और ये जैसे दिखा रहा है, पहाड़ है, नदी है, बादल है, सूर्य है, पेड़ है, फूल है, ये सारी चीज जो है आप क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे, सिर्फ कलर करेंगे। आज ये लेसन समाप्त हो गया। अब आगे है एक्सकिमो, चैप्टर नंबर 10 है एक्सकिमो, इसको आपको कल बताया जाएगा।